हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करिबा क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स। लास्ट क्लास रे हमर सरथला थैलासीमिया। तो देखो क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स, सो फर्स्ट व्हाट इज क्रोमोसोमल डिजॉर्डर। क्रोमोसोमल डिजॉर्डर कहिले मैं बुझू जे द चेंज इन स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमोसोमल डिजॉर्डर। चेंज इन स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो क्रोमोजोम स्ट्रक्चर रे चेंज आउ नंबर रे चेंज को क्रोमोसोमल डिजॉर्डर बोली कहा जाए। चेंज इन स्ट्रक्चर, सपोज एटा होचे क्रोमोजोम, नॉर्मल क्रोमोजोम, तार स्ट्रक्चरल चेंज कहले स्ट्रक्चरल चेंज होची। सपोज एही पर्सनटा कुआडे कटिकि बाहरि जिवो डिलीशन, बस सेही पर्सनटा एठी आसिकि लागि जिवो, बस ए पटर गोटे पर्सन आसिकी ए क्रोमोजोम रे लागी जिवो, तो गोटे ट्रांसलोकेशन से रिपीट आसिकी एठी लागी जिवा से सेगमेंटा। तो ए सब गुडा होची स्ट्रक्चरल चेंजेस, क्रोमोजोम रो स्ट्रक्चर रे चेंज होची। क्रोमोजोम रो खंडे सेगमेंट मझीरु बाहरी की आसिकी साइड रे लागी जाउची, बा से खंडटा कुआडे कुआडे पूरा डिलीट हो जाउची, बा से पर्सनटा आउ गोटे क्रोमोजोम रे लागी जाउची। सेटा कहे डिलीशन, डुप्लिकेसन, ट्रांसलोकेशन, इनवर्सन, से सब डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस। किंतु आम बेसिकली ये पढ़ा क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स रे चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोमल डिजॉर्डर कहले चेंज इन स्ट्रक्चर और नंबर, किंतु आम बेसिकली पढ़ा न्यूमेरिकल चेंज और तार इफेक्ट। सो द चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एन्यूप्लॉयडी। पर्टिकुलरली क्रोमोजोम नंबर रे चेंज होगा को, क्रोमोजोम नंबर रे चेंज होगा को कहा जाए एन्यूप्लॉयडी। माने बढ़ी भी पारे, कमी भी पारे, पॉजिटिव माने प्लस भी पारे, माइनस भी पारे। द चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड एन्यूप्लॉयडी एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम्स। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम जो होता है एन्यूप्लॉयडी। एन्यूप्लॉयडी होची चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम को कहा जाए एन्यूप्लॉयडी। और एन्यूप्लॉयडी रीजन होची नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम्स। देखो नॉन डिसजंक्शन कौन ना, नॉन डिसजंक्शन होची, नॉन डिसजंक्शन कहले इट इज ए कंडीशन इन व्हिच द होमोलोगस क्रोमोजोम्स आर अनेबल टू डिसजॉइन और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग एनाफेज वन। तो नॉर्मली एनाफेज वन बेले होमोलोगस क्रोमोजोम गुड़ाक सेपरेट हो जाती, जहाँफल कि आम एनाफेज वन टा कौटी देखा जाए मेओसीस। मेओसीसटा केतबेले हुए गैमेट फॉर्मेशन बेले, तो आम हाप्लॉइड गैमेट फॉर्मेशन हो जाती, हाफ हाफ क्रोमोजोम अलग हो जाती। किंतु जदि एनाफेज वन बेले होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट न हो पारे, ताले बोथ होमोलोगस क्रोमोजोम्स से गुड़ाक गोटे गैमेट को जिबे, तो गैमेट रे क्रोमोजोम नंबर नॉर्मल ठारु अधिका ही जिबो, से कंडीशन टा होची नॉन डिसजंक्शन। देखो कहूँ सपोज एटा होची गोटे सेल, एई सेल रे दी प्रकार रो क्रोमोजोम अछंदी, गोटे ए कलर रे देखैली आ गोटे ग्रीन देखैली। तो ये होचन दीटा होमोलोगस पेयर। सपोज जेतेबेले एनाफेज वन टा कंप्लीट हबो, बा दीटा सेल जो बाहर, तो एनाफेज वन बेले नॉर्मली कौन होबा कथा ना, ए पर्पल कलर रो होमोलोगस क्रोमोजोम रो गोटे गोटे इटी को आसीबो आ गोटे इटी को आसीबो। सिमिलरली ए जो ग्रीन कलर रो होमोलोगस क्रोमोजोम रो गोटे इटी को आसीबो आ गोटे इटी को आसीबो। तो एटा एटा होची नॉर्मली एनाफेज वन बेले ए भलिया कंडीशन हुए, होमोलोगस क्रोमोजोम अलग हो दीटा सेल को पलि जाती। एटा होची नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोजोम रो सेपरेशन ड्यूरिंग एनाफेज वन। किंतु नॉन डिसजंक्शन रे कौन हुए देखो, तो नॉन डिसजंक्शन रे कौन हुए ना, सपोज एटा होची सेल, एमती दीटा होमोलोगस क्रोमोजोम्स अछंदे से सेम कलर देखो होची होमोलोगस क्रोमोजोम अछंदे। तो जितेबेले एनाफेज वन होची नॉन डिसजंक्शन पे, एटा होची नॉन डिसजंक्शन कंडीशन। नॉन डिसजंक्शन कंडीशन रे कौन हो ना, सपोज ए पर्पल कलर टा सेपरेट हो गला गोटे एठी को ए सेल को आ गोटे सेल को पलि आसला,
এই যে গ্রিন কলরটা সপোজ এই গ্রিন কলর পেয়ার এই হোমোলোগাস পেয়ারটা অলগা হেপারিলা নাহি সেটা অনেবল টু সেপারেট তা তার সেপারেশনটা পসিবল হেলানি তো সে দুইটা ক্রোমোজোম বা পুরা হোমোলোগাস পেয়ারটা গোটিয়ে সেলকু পলাইলা এ সেলকু বিলকুল আসিলানি এটিকু দুইটা পলাই আসিলা তো এটি কোণ হল নর্মাল ঠার গোটে অধিকা এটি নর্মাল ঠার গোটে কম হল এটি প্লস ওয়ান এটি মাইনস ওয়ান নর্মাল সেল ডিভিজন আমি কোণ দেখি এটি দুইটা রহব এটি দুইটা রহব কিন্তু এবে কোণ হল এটি দুই রু অধিকা গোটে তিন হয়েগলা এটি দুই রু কম গোটে এক হয়েগলা তো এইটা হচ্ছে নন ডিসজংশন যে হোয়েন হোমোলোগাস ক্রোমোজোমস আর অনেবল টু সেপারেট ফ্রম ইচ অদর যেতবে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম পরস্পর ঠার অলগা নহপারতি দ্যাট কন্ডিশন ইজ নোন আজ নন ডিসজংশন আউ নন ডিসজংশন ইজ দ কজ অফ অ্যানিউপ্লয়েডি সপোজ দেখ ইয়ে গোটে গ্যামেট হল ইয়ে গোটে গ্যামেট হল তো এই গ্যামেটটা যাই যেতবে আউ গোটে গ্যামেট সাংরে ফিউজ হব সপোজ এটা গোটে স্পর্ম হয়ে সে গোটে যাই নর্মাল ওভম সাংরে ফিউজ হব তো নর্মালি কোণ স্পর্মটা এন একটা বি এন তো ইন্ডিভিজুয়ালটা টু এন হুয়ে এটা হচ্ছে নর্মাল কিন্তু যদি এটি এন প্লস ওয়ান গোটে অধিকা থিব এন প্লস ওয়ান যদি গোটে অধিকা থিব ক্রোমোজোম গোটে অধিকা থিব তাহলে কোণ হব নিহাতি সে ইন্ডিভিজুয়াল গোটে ক্রোমোজোম অধিকা হয়েযিব বা যদি এইভাবে স্পর্মটা গোটে নর্মাল ওভম সাংরে ফর্টিলাইজ হুয়ে তাহলে কোণ হব না এটা এন মাইনস ওয়ান গোটে ক্রোমোজোম সে ইন্ডিভিজুয়াল কম হব তো এইগুলা হচ্ছে নন ডিসজংশন কিনা তো এক্সাম্পল ডিটেলস আগুক পড়া তো ক্রোমোজোমাল ডিজর্ডর কহিলে চেঞ্জ ইন স্ট্রকচর অর নম্বর অফ ক্রোমোজোম পর্টিকুলারলি চেঞ্জ ইন নম্বর অফ ক্রোমোজোম ইজ নোন আজ অ্যানিউপ্লয়েডি অ্যান্ড দ কজ অফ অ্যানিউপ্লয়েডি কজ অফ অ্যানিউপ্লয়েডি ইজ নন ডিসজংশন নন ডিসজংশন ইজ দ কন্ডিশন ইন হুইচ হোমোলোগাস ক্রোমোজোমস আর অনএবল টু ডিসজয়েন অর সেপারেট ফ্রম ইচ অদর ডিউরিং অ্যানাফেজ ওয়ান তো অ্যানাফেজ ওয়ান বেড়ে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম যেতবে সেপারেট হয়েপারতি তাকে কুহযায় নন ডিসজংশন এটা দেখলে আমি এবে দেখ নন ডিসজংশন লিডস টু নিউমেরিকাল চেঞ্জ ইন ক্রোমোজোম নন ডিসজংশনটা ক্রোমোজোমর নিউমেরিকাল চেঞ্জ রে পাই রেসপন্সিবল ইট ইজ মেইনলি সিন ডিউরিং ওজেনেসিস ওজেনেসিস বেড়ে এটা এই নন ডিসজংশনটা বেশি দেখা যায় দ্যান স্পর্মাটোজেনেসিস কাহিকি না ওজেনেসিস পড়ব এটা আগুক ওজেনেসিস গোটে লং রেস্টিং পিরিয়ড থাকে ডিউ টু ইটস লং রেস্টিং পিরিয়ড তো বহুদিন পর্যন্ত ক্রোমোজোম গুড়া হোমোলোগাস ক্রোমোজোম গুড়া পুরা জয়েন হয়েকি রইযাতে লগালগি হয়েকি রইযাই থাকে তো আফটর লং পিরিয়ড কহিলে টেন টুয়েলভ ইয়ার্স পরে সে অলগা হয়েপারতি তো সেইটা হচ্ছে সেপাই এটা গোটে ফ্যাক্টর এটা গোটে ফ্যাক্টর যে লং রেস্টিং পিরিয়ডটা নন ডিসজংশনর গোটে রিজন বলে ইন কেস অফ ওজেনেসিস পার্টিকুলারলি তাপরে দেয়ার আর ডিফরেন্ট টাইপস অফ ক্রোমোজোমাল ডিজর্ডরস ফাউন্ড ইন হ্যুমান বিংস বিভিন্ন প্রকারের ক্রোমোজোমাল ডিজর্ডরস অছি যেমিতিকি ডাউন সিন্ড্রোম ক্লাইনফেল্টার সিন্ড্রোম টর্নর সিন্ড্রোম এডওয়ার্ড সিন্ড্রোম সুপর মেল সুপর ফিমেল এসব গোটে গোটে ক্রোমোজোমাল ডিজর্ডর কিন্তু আমার কোর্সরে অছি ওয়ান টু থ্রি এটিকি এই তিনটা আছে যে ডাউন সিন্ড্রোম ক্লাইনফেল্টার সিন্ড্রোম আর টর্নর সিন্ড্রোম এইগুড়াক খালি না গুড়াক দিয়া হয়েছে এক্সট্রা কিন্তু কোর্সরে না ডাউন সিন্ড্রোম ক্লাইনফেল্টার সিন্ড্রোম আর টর্নর সিন্ড্রোম দেখব এটা গোটে লং কোশ্চিন হোয়াট ইজ ক্রোমোজোমাল ডিজর্ডর ডিসক্রাইব ভেরিয়স টাইপস অফ ক্রোমোজোমাল ডিজর্ডর স্টডিড বাই ইউ এমনি কোশ্চিন হয়েপার ইচ সিন্ড্রোম গুড়াক গোটে গোটে সর্ট নোট হয়েপার এমানক ভিতরে ডিফরেন্স বি হয়েপার আ ভিতর ওয়ান মার্ক কোশ্চিন বি আসিপার তো ভেরাইটিজ অফ কোশ্চিন এই পোর্সন হয়েপার দেখ তুমি যে দেখলে সিন্ড্রোম ডাউন সিন্ড্রোম টর্নর সিন্ড্রোম ক্লাইনফেল্টার সিন্ড্রোম তো সিন্ড্রোম কহিলে কোণ না সিন্ড্রোম গুড়াক হচ্ছে দিজ আর ইনবর্ন নন কিওরেবল ডিজর্ডরস এক্সপ্রেসড বাই গ্রুপস অফ সিমটমস একাবে
ଗୁଡ଼ାଏ ଲକ୍ଷଣ ସହ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହୋଇଥାଏ, ଜନ୍ମରୁ ଥାଏ, କେବେ ବି ଭଲ ହୋଇପାରିବନି। କାରଣ ସବୁ ସେଲ୍ର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍କୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ଏଇଟା ପସିବୁଲ୍ କି ହେବନି। ତ ଏଇଟା ଇନବର୍ନ ହୋଇଥାଏ, ନନ୍ କ୍ୟୁରେବୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟିଟା ଗୁଡ଼ାଏ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ସହ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ବୁଝିଲେ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, ତ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, କ୍ଲାଇନଫେଲ୍ଟର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଆଉ ଟର୍ନର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ଦେଖ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ, ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ସବୁ ତ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଖାହେଇଛି ବୋଲି ନହେଲେ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଡି ଲେଖିବ ଆଉ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଏସ୍ ଲେଖିବ, ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଏସ୍ ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଡି। ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କୁ ଅଦରୱାଇଜ୍ କୁହାଯାଏ 21st ଟ୍ରାଇଜୋମି ଅର୍ ମଙ୍ଗୋଲିଜିମ୍ ଅର୍ ମଙ୍ଗୋଲିଆନ୍ ଇଡିଓସି। ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍କୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଇଜ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ 21st ଟ୍ରାଇଜୋମି ଅର୍ ମଙ୍ଗୋଲିଜିମ୍ ଅର୍ ମଙ୍ଗୋଲିଆନ୍ ଇଡିଓସି। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ, ଦିସ୍ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ୱାଜ୍ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ବାଇ ଲ୍ୟାଙ୍ଗଡ଼ନ୍ ଡାଉନ୍ ଇନ୍ 1866। ତ ପ୍ରଥମେ 1866ରେ ଲ୍ୟାଙ୍ଗଡ଼ନ୍ ଡାଉନ୍ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଏଇ ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟିକୁ। ତାପରେ ଦେଖ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅଟୋଜୋମାଲ୍ ଆନେଉପ୍ଲଏଡ଼ି। ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଟୋଜୋମାଲ୍ ଆନେଉପ୍ଲଏଡ଼ି। ଅଟୋଜୋମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ଆମର 22 ପେୟାର୍ସ ଥାଏ, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ରେ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଟୋଜୋମ୍। ତ ଆନେଉପ୍ଲଏଡ଼ି କହିଲେ କ'ଣ? କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନମ୍ବରରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇଥିବ। ତ ଅଟୋଜୋମାଲ୍ ଆନେଉପ୍ଲଏଡ଼ି ଇନ୍ ହୁଇଚ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ 21, 21 ନମ୍ବରର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥାଏ, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ 21st ଟ୍ରାଇଜୋମି। 21 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନର୍ମାଲି ରହିବା କଥା ଦୁଇଟା, କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ହୋଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରାଇଜୋମି। ଦେଖ ଏଇଟା କହିଦେଉଛି ଭଲ କି, ଯେ ଆମର ସବୁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ପେୟାର୍ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର ପେୟାର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସପୋଜ୍ 2 ନମ୍ବର ପେୟାର୍। ତ ଏମିତି ଆମର ରହିଲେ, ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 21 ନମ୍ବର ପେୟାର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି 22 ନମ୍ବର ପେୟାର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି 23 ନମ୍ବର ପେୟାର୍, ଏଇଟା 21, ଏଇଟା 22, ଏଇଟା ହେଉଛି 23। ସପୋଜ୍ ଆମର ଏତିକି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏତିକିରୁ ଆମର ଦେଖ ଯେ 1 ରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଲେ? ଅଟୋଜୋମ୍ ରହିଲେ। ଓନ୍ଲି ଏଇ 23ଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଲୋଜୋମ୍ ବା ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। ତ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, 21 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, 21 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କ'ଣ, ସବୁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୁଡ଼ାକ 2-2ଟା ଅଛନ୍ତି। 21 ନମ୍ବର ବି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବି 2-2ଟା ଅଛି, ପେୟାର୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ାକ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 21 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ର 3ଟା ହୋଇଯିବ, 21 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କେତେଟା ହେଲା? 1, 2, 3, 3ଟା ହୋଇଗଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ 21st ଟ୍ରାଇଜୋମି। 21 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ 3ଟା ହେଲା ବୋଲି 21st ଟ୍ରାଇଜୋମି। ଯଦି 2 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ 3ଟା ହୋଇଥାନ୍ତା, 2nd ଟ୍ରାଇଜୋମି କୁହାଇଥାନ୍ତା। ଯଦି 15 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ 3ଟା ହୋଇଥାନ୍ତା, 15th ଟ୍ରାଇଜୋମି ବୋଲି କୁହାଇଥାନ୍ତା। ବୁଝିଗଲା ଯେ ଆକୁ ଅଟୋଜୋମ୍ ନା ଆନେଉପ୍ଲଏଡ଼ି କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା, 21 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୋଟେ ଅଟୋଜୋମ୍, ଆନେଉପ୍ଲଏଡ଼ି କହିଲେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନମ୍ବରଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଟୋଜୋମାଲ୍ ଆନେଉପ୍ଲଏଡ଼ି। ତ କେମିତି ଆନେଉପ୍ଲଏଡ଼ି ହେଲା ନା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ 21st ପେୟାର୍ରେ। ତ 21ତମ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ, 21ତମ ପେୟାର୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ 21st ଟ୍ରାଇଜୋମି, 21st ଟ୍ରାଇଜୋମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଏ କଣ୍ଡିସନ୍ କାହିଁକି ଆରାଇଜ୍ ହେବ, କେତେବେଳେ ହେବ ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ର 21 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ 3ଟା ହୋଇଯିବ, କେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ପର୍ମ ଓଭମ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ଟା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥିବ ସେଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ରେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖ ତ ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦ କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ୱିଥ୍ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଇଜ୍ 45+XY ଆଣ୍ଡ 45+XX ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ଲି। ଏଇଟା କ'ଣ, ଅଟୋଜୋମାଲ୍ ଆନେଉପ୍ଲଏଡ଼ି, ତ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଠି 21 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ 3ଟା ହୋଇଯିବ, ନର୍ମାଲି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ରହିବା କଥା ଅଟୋଜୋମ୍ କେତେଟା ରହିବା କଥା, 44ଟା, ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ 2ଟା, XX ହଉ କି XY ହଉ, 44, 2 ନର୍ମାଲି ରହିବା କଥା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ରେ 46ଟା। କିନ୍ତୁ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, 21 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୋଟେ ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଧିକା 44+1, ତ 44+1 ହେଲେ 45 ହୋଇଗଲା ଅଟୋଜୋମ୍। ତ ମେଲ୍ କେସ୍ରେ 45+XY, ଯଦି ଫିମେଲ୍କୁ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ 45+XX।
तो यहाँ हूँ 45 प्लस एक्स वाई मेल क्षेत्र में डाउन सिंड्रोम हेले क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट 45 प्लस एक्स एक्स यहाँ हूँ फीमेल क्षेत्र में डाउन सिंड्रोम हेले तार क्रोमोजोम कॉम्प्लीमेंट। तो ये कौन है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा 47। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 47 और 2n इक्वल टू 47 होगा। नॉर्मली रहिया कथा 46, नॉर्मली रहिया कथा 46 किंतु होगा 47। तो दिस कंडीशन आरइजेस, ये कंडीशन टा केते बेले आरइज हुए, व्हेन बोथ द क्रोमोजोम्स ऑफ 21st पेयर, 21 नंबर क्रोमोजोम रो जो चित्रटा देखैथि नॉन डिसजंक्शन बेले, सपोज 21 नंबर क्रोमोजोम टा अलग हो तरलानी गैमेट फॉर्मेशन बेले, तो 21st पेयर क्रोमोजोम पास इनटू ए सिंगल गैमेट, गोटे सिंगल गैमेट को पलि जाती ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, मोस्टली ओजेनेसिस, ओजेनेसिस चांसेस टा अधिका थाए। तो गैमेट फॉर्मेशन बेले यदि 21 नंबर क्रोमोजोम अलग अलग न हो कि दुटा 21 नंबर क्रोमोजोम गोटे गैमेट को पलि आसे ताहले एई 21st ट्राइजोमेटा देखा जाए। आमर गैमेटा कौन हाप्लोइड, सबु क्रोमोजोम गुड़ाक गोटे गोटे थी हाप्लोइड किंतु 21 नंबर क्रोमोजोम दुटा थी से कंडीशन में यही डाउन सिंड्रोम देखा जाए। देख कौ भाया स्पर्म कौ भाया ओवम फ्यूज हेले कंडीशन आरइज हो ना, इट इज कॉज्ड व्हेन एन अबनॉर्मल ओवम, अबनॉर्मल ओवम माने 23 प्लस एक्स यहाँ अबनॉर्मल केमती है ना ऑटोजोम रहा कतटा ना 22 रहा कथा, नॉर्मली 44 हूँ ऑटोजोम माने हैप्लोइड केस रे 22 ऑटोजोम रहा कथा। तो व्हेन एन अबनॉर्मल ओवम, व्हेन एन अबनॉर्मल ओवम दैट इज 23 प्लस एक्स फ्यूजेस विथ ए नॉर्मल स्पर्म, अबनॉर्मल ओवम टा नॉर्मल स्पर्म सांगे फ्यूज हे 22 प्लस एक्स हो पारे 22 प्लस वाई हो पारे, स्पर्म तो ह्यूमन बीइंग केस रे हेट्रोगैमेटिक 22 प्लस एक्स आ 22 प्लस वाई, ये कंडीशन आरइज हेले कौन हम 23 बैसी 45 एक्स एक्स हो कि एक्स वाई हो ये कंडीशन देखा जीवो। तापरे किंबा सेमिति माने नहीं जे स्पर्म सब बेले नॉर्मल रहिबो ओवम सब बेले अफेक्टेड अबनॉर्मल हेथिबो बा ओवम सब बेले नॉर्मल थिबो स्पर्म सब बेले अबनॉर्मल हेथिबो सेमिति कहि हेबोनी। दि प्रकार कंडीशन हो पार जे नॉर्मल स्पर्म अबनॉर्मल ओवम किंबा अबनॉर्मल स्पर्म नॉर्मल ओवम एई भलिया फ्यूज हो पारे। तो ये देख गोटे नॉर्मल स्पर्म जदि गोटे नॉर्मल स्पर्म फ्यूज हम नॉर्मल नॉर्मल ओवम 22 प्लस एक्स फ्यूज हुए अबनॉर्मल स्पर्म सांगे माने अबनॉर्मल स्पर्म कहले कौन से ऑटोजोम अधिका अच्छी गोटे गोटे 21 नंबर क्रोमोजोम अधिका अच्छी 23 प्लस एक्स 23 प्लस वाई तो 22 23 45 एक्स एक्स और 45 एक्स वाई ये कंडीशन आसला। तो यहाँ हूँ डाउन सिंड्रोम रिजिन बुझेगा। तो ये नॉर्मल स्पर्म अबनॉर्मल ओवम और अबनॉर्मल स्पर्म नॉर्मल ओवम फ्यूज हेले ये कंडीशन आरइज हे विभिन्न सबू क्रोमोजोम अबनॉर्मलिटी हो पार कि मन रख डाउन सिंड्रोम अर्थ हूँ 21st ट्राइजोमी 21 नंबर क्रोमोजोम तीन टा नंबर हो जाए एक्सट्रा 21 नंबर क्रोमोजोम गोटे सेल रही जाए ताकू डाउन सिंड्रोम कहुए बा डाउन सिंड्रोम इज अदरवाइज नोन आज 21st ट्राइजोमी ओनली 21 नंबर क्रोमोजोम तीन टा होगा डाउन सिंड्रोम कहुए। तापरे सिम्टम्स डाउन सिंड्रोम रो सब लक्षण कौन जहाँ को डाउन सिंड्रोम हो तार सब लक्षण कौन हम ना इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय राउंडेड फेस शॉर्ट नेक, राउंडेड फेस मुहटा गोलिया शॉर्ट नेक बेक टिके छोटो हेथिबो ब्रॉड फोरहेड, फोरहेड कहले कपाल बा मथाटा कपाड़ा टे चौड़ा हेथिबो राउंडेड फेस शॉर्ट नेक ब्रॉड फोरहेड। देखो ये जो सिम्टम्स गुड़ाक देखा जाए बोली मुहटा गोलिया मथाटा चौड़ा होमती लोक देखो मैंने ना मंगोलिया देशर लोक मैंने
मंगोलिया देशर लोक मैंने एमती देखा जाती नॉर्मली से मुहटा गोलिया होता है ब्रॉड फॉरहेड होता है तो जहाँ को डाउन सिंड्रोम होता है सी मंगोलिया भाया देखा जाए बोली डाउन सिंड्रोम को अदरवाइज कहा जाए मंगोलिज्म। तो मंगोलिज्म कहीं कहा जाए डाउन सिंड्रोम को अदरवाइज ना पर्सन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम लुक्स लाइक मंगोलियंस से मंगोलियन भाया देखा जाए को क्षेत्र में ना तार गोलिया मुहटा होता है बेकटा छोट होता है आउ फोरहेडटा चौड़ा होता है से डाउन सिंड्रोम को अदरवाइज कहा जाए मंगोलिज्म। तापरे आउ कौन सिम्टम्स रहिला स्मॉल एंड स्टबी फिंगर छोट छोट आंगुठी और मोटा मोटा आंगुठी स्मॉल एंड स्टबी फिंगर देन ब्रॉड पाम पापुलीटा चौड़ा ही थी ब्रॉड पाम पापुली चौड़ा ही थी स्मॉल एंड स्टबी फिंगर आंगुठी गुड़ाक छोट छोट आ मोटा मोटा ही थी परमानेंटली ओपन माउथ पाटीटा सब खोला रोथ आँ कला भाया रोथ छोट आँ कला भाया रोथ परमानेंटली ओपन माउथ प्रोट्रुडिंग टंग टंगटा बाहर को बाहर थोड़ा प्रोट्रुडिंग टंग जीवटा टे बाहर को बाहर के रोथ प्रोजेक्टिंग लोअर लिप प्रोजेक्टिंग लोअर लिप तल ओठटा टे झुली पड़ प्रोजेक्टिंग लोअर लिप अनडेवलप्ड गोनाड्स गोनाड गुड़ाक एत डेवलप हो न टेस्टिस ओवरी टी लेस डेवलप हो कंजेनिटल हार्ट डिजीज कंजेनिटल माने सिंस बर्थ जन्म रु कि हार्ट प्रॉब्लम थी कंजेनिटल हार्ट डिजीज लेस इंटेलिजेंस माने टिके लेस आईक्यू थाए टिके कम बुद्धि होता है से मानकर कम बुद्धि होता है तो जहाँ को कम बुद्धि बा बोका मान को कौन कहते इडियट बोली कहा जाए बोका मान को इडियट बोली कहा जाए से कौन हुए ना देखा जाती मंगोलिया भाया प्लस लेस इंटेलिजेंस से मानकर थाए से कम्बाइनली कहा जाए डाउन सिंड्रोम को कौन ना मंगोलियन इडियोसी डाउन सिंड्रोम को अदरवाइज कहा जाए मंगोलियन इडियोसी बुझेगा एक नंबर क्रोमोजोम गोटे एक्स्ट्रा थाए बोली 21st ट्राइजोमी देखा जाती मंगोलिया भाया बोली मंगोलिज्म आउ देखा जाती मंगोलिया भाया प्लस टिके कम बुद्धि थाए से कहा जाए मंगोलियन इडियोसी। तो डाउन सिंड्रोम रो अदर नेम मन रखिव 21st ट्राइजोमी और मंगोलिज्म और मंगोलियन इडियोसी तो ये सब गुड़ाक हूँ सिम्टम्स। तापरे इट इज अल्सो कॉज्ड डाउन सिंड्रोमटा अल्सो देखा जाए केतबेले इट इज अल्सो कॉज्ड ड्यू टू ट्रांसलोकेशन ऑफ ए क्रोमोजोमल सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम 21 विथ द 14th क्रोमोजोम। देख सपोज एटा होची ट्रांसलोकेशन ऑफ ए क्रोमोजोमल सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम 21 सपोज एटा होची 21 नंबर क्रोमोजोम एटा होची 14th क्रोमोजोम 14 नंबर क्रोमोजोम एटा पेयर हेकि थांदी जदि कोनोसी कारण रु खंडे क्रोमोजोम सेगमेंट 21 नंबर क्रोमोजोम रो खंडे सेगमेंट 21 नंबर क्रोमोजोम रो खंडे सेगमेंट आसिकी लागीगला कोठी ना 14 नंबर रे लागीगला ट्रांसलोकेशन ऑफ ए क्रोमोजोमल सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम 21 विथ द 14th क्रोमोजोम लागीगले कौन हबो ना ए 21 नंबर सेगमेंट पळे आसला छोटियाटा एठी भी कौन देखा जिवो ना डाउन सिंड्रोम रो संबोधक सिम्टम्स देखा जिवो एई कंडीशन रे भी डाउन सिंड्रोम रो सब सिम्टम्स देखा जिवो किंतु एठी 2n इक्वल टू केते हैला सेई 46 अछि 46 अछि गोटे सिना एक्स्ट्रा क्रोमोजोम पूरा ऐड हेतले गोटिकिया क्रोमोजोम 47 हेथांदा खंडे छोटिया अंशटे आसिकी 14th रे लागि जाउछि किंतु डाउन सिंड्रोम रो लक्षण सब देखौछि तो सेइटा होछि कुआ जाए फैमिलियल डाउन सिंड्रोम इन दिस केस 2n इक्वल टू 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 रुहे आउ एटा को कहा जाए फैमिलियल डाउन सिंड्रोम आउ द चेंजेस ऑफ डाउन सिंड्रोम इंक्रीज द चांसेस द चांसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग मदर्स एज जदि मदर रो एज अधिका आई थाए बा जने 30 इयर्स रे गोटे चाइल्ड बर्थ करिवो आ जने 40 इयर्स रे करिवो तो 40 इयर्स रे नॉन डिजंक्शन रो अधिका चांसेस थाए एज जते बढे गोटे फीमेल रो से समय रे जो एकटा प्रोड्यूस हुए से एकटा प्रोड्यूस होला बेले से एग रे नॉन डिजंक्शन रो चांसेस टा अधिका थाए। तो यहाँ हूँ फैमिलियल डाउन सिंड्रोम ये
एटिक सरला डाउन सिंड्रोम गोटे ऑटोसोमल अनेप्लॉयडी तापर रहिला होती था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आ गोटे टर्नर सिंड्रोम देख ए दुटा सेम टाइप छोटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम बुझिपारे क्लाइनफेल्टर टर्नर पूरा से भाया जस्ट खाली क्रोमोजोम नंबर चेंजेस देख क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को अदरवाइज कौन कहगला ना 23rd ट्राइजोमी तो यूर कौन बुझा पड़ा ना 23 नंबर पेयर रे एक्स्ट्रा क्रोमोजोम अच्छी जहाँफल कि 23 नंबर पेयर क्रोमोजोम तीन टा हो जाए 23 नंबर रे तीन टा क्रोमोजोम अच्छी से 23rd ट्राइजोमी देखा आग को तो दिस डाउन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाज डिस्क्राइब बाय एचएफ क्लाइनफेल्टर इन 1942 तो 1942 रे एचएफ क्लाइनफेल्टर डिस्क्राइब करते 23rd ट्राइजोमी को इट इज एन आलोजोमाल अनेप्लॉयडी एटा गोटे आलोजोमाल अनेप्लॉयडी इन व्हिच जो थे कि एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इन 23rd पेयर जो थे कि गोटे एक्स्ट्रा क्रोमोजोम थाए 23rd पेयर रे 23rd पेयर रे गोटे एक्स्ट्रा क्रोमोजोम थाए सो इट इज अल्सो नोन आज 23rd ट्राइजोमी आम 23rd पेयर हूँ सेक्स क्रोमोजोमटा 23rd पेयर मैंने सेक्स क्रोमोजोम तो सेक्स क्रोमोजोम गोटे को क्रोमोजोम एक्स्ट्रा थाए ना एक्स क्रोमोजोम गोटे अधिका थाए तो गोटे अधिका रही जाए तो से कंडीशन को कहा जाए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 23rd पेयर क्रोमोजोम तीन टा हो जाती से कहा जाए 23rd ट्राइजोमी 23rd क्रोमोजोम को अफेक्ट करे बोली आपको कहा जाऊँगी आलोजोमाल अनेप्लॉयडी डाउन सिंड्रोम थी ऑटोजोमाल क्लाइनफेल्टर हूँ आलोजोमाल अनेप्लॉयडी जो थे कि एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम थाए 23rd पेयर रे तापरे द क्रोमोजोम कम्प्लीमेंट इज 44 प्लस एक्स एक्स वाई क्रोमोजोम कम्प्लीमेंट एथेरे कौन हो जाए ना 44 प्लस एक्स एक्स वाई सेक्स क्रोमोजोमटा एक्स एक्स वाई गोटे एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम रोज एंड द टोटाल नंबर अफ क्रोमोजोम इज 47 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 47 रहिला आ टोटल हो गला 44 प्लस एक्स एक्स वाई तो ये कंडीशन टा केत आरइज हम देख ना इट इज डेवलप्ड व्हेन एन अबनॉर्मल एग फ्यूजेस विथ नॉर्मल स्पर्म अबनॉर्मल एग अबनॉर्मल एग माने देख ये ऑटोजोम ठीक ठाक अच्छे दुटा एक्स क्रोमोजोम रहिला तो नॉर्मली ओवम रे गोटे एक्स क्रोमोजोम रहा कथा किंतु जदि एक्स क्रोमोजोम नॉन डिसजंक्शन है एक्स क्रोमोजोम ताहले दुटा एक्स क्रोमोजोम गोटे एग रे रही जाइछि गोटे गैमेट रे रही जाइछि सी फ्यूज हबो नॉर्मल स्पर्म संगे तो नॉर्मल स्पर्म टा होछ कोन 22 प्लस वाई तो 22 44 एक्स एक्स वाई कंडीशन आसीला तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई ए कंडीशन आसीला बुझिला देखो ये गोटे क्वेश्चन जदि आम कह 22 प्लस एक्स वाला क्रोमोजोमटा कहीं फ्यूज हेनी 22 प्लस एक्स वाला क्रोमोजोम ना जदि 22 प्लस एक्स वाला स्पर्मटा जदि फ्यूज होता अबनॉर्मल ओवम सांगे अबनॉर्मल ओवम कौन अच्छी 22 प्लस एक्स एक्स अच्छी यहाँ जदि एक्स वाला स्पर्म जो स्पर्म यहाँ ओवम ताल मिशी कौन होता 44 प्लस एक्स 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 तीन टा एक्स जाता पिले तीन टा एक्स हो गले आम आउ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहानी से सुपर फिमेल हो बुझी सुपर फिमेल होमर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अर्थ हो 44 प्लस एक्स एक्स वाई 44 प्लस एक्स एक्स वाई से एक्स एक्स वाई कंडीशन आनवाई आमर वाई वाला नर्माल स्पर्म अबनर्माल एक् को फर्टिलइज करवा दरकार बुझेगा आउ गोटे रिवर्स कंडीशन रहा रिवर्स कंडीशन कौन ना ए रिवर्स कंडीशन टा कौन आसला से नॉर्मल स्पर्म अबनॉर्मल ओवम आसब कौन टे तो ये हूँ नॉर्मल ओवम अबनॉर्मल स्पर्म नॉर्मल ओवम कौन 22 प्लस एक्स अबनॉर्मल स्पर्म माने एक्स आउ वाई क्रोमोजोम अलग हो पारिना एक्स आउ वाई क्रोमोजोम अलग हो पारिना तो ये कंडीशन 22 24 एक्स आउ एक्स वाई मिसीगला 44 प्लस एक्स एक्स वाई हो गला तो यहाँ हूँ नॉर्मल ओवम यहाँ हूँ अबनॉर्मल स्पर्म
ଆବନର୍ମାଲ୍ ସ୍ପର୍ମରେ ଏକ୍ସ ୱାଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଲଗା ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମିଶିଗଲା ପରେ 44 ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ୱାଇ ହେଲା କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିଲା। ଦ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ ମେଲ୍, ଯାହାକୁ କ୍ଲାଇନଫେଲ୍ଟର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ହୋଇଥାଏ ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ଟା ଅଲୱେଜ୍ ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ ମେଲ୍ ହାଭିଙ୍ଗ୍ ୱାନ୍ ବାରବଡ଼ି। ବୋଲେ ଏଇଠି ଦେଖ, ନର୍ମାଲ୍ ମେଲ୍ରେ ବାରବଡ଼ି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାଇନଫେଲ୍ଟର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ବାଲା ମେଲ୍ରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବାରବଡ଼ି ଥାଏ। କେମିତି ନା, ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ବାରବଡ଼ିଟା ଆମର କେମିତି କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଏ କି ନା, ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ବା ଅଲୱେଜ୍ ୱାନ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଓର ଏନ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍। ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କେତେଟା ଅଛି? ଦୁଇଟା ଅଛି, ସ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍, ବୁଝିଲା। କ୍ଲାଇନଫେଲ୍ଟର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ରେ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ମେଲ୍ର ବାରବଡ଼ି ହେଉଛି ୱାନ୍, ଯେତେବେଳେ କି ନର୍ମାଲ୍ ମେଲ୍ର ବାରବଡ଼ି ହେଉଛି ଜିରୋ, ବୁଝିଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାଇନଫେଲ୍ଟର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଆଉ ଟର୍ନର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, ଏଇ ଯେଉଁଟା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ସେକ୍ସ ଥାର୍ଡ଼ ଜେଣ୍ଡର୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବା ଯେଉଁମାନେ କିନ୍ନର ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ କିନ୍ନର ଥାର୍ଡ଼ ସେକ୍ସ, ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ଏଇଭଳିଆ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ସେଇ ସଫରର୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆଇଦର କ୍ଲାଇନଫେଲ୍ଟର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଆଉ ଟର୍ନର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ଦେଖ ତ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ୍ ବାଇ, ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅନ୍ଡେଭଲପ୍ ଟେଷ୍ଟିସ୍, ଟେଷ୍ଟିସ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନଥାଏ। ନର୍ମାଲି ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ ମେଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିସ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନଥାଏ। ସେ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହାଇପୋଗୋନାଡ଼ିଜିମ୍। ହାଇପୋ ମାନେ କ'ଣ? ବିଲୋ। ତ ଗୋନାଡ଼ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ନର୍ମାଲ୍ରୁ ବିଲୋ ହୋଇଥାଏ, ଯେତିକି ଦରକାର ଗୋନାଡ଼ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେତିକି ହୋଇନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ହାଇପୋଗୋନାଡ଼ିଜିମ୍। ତାପରେ ଏନ୍ଲାର୍ଜ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଅର୍ ଗାଇନେକୋମାଷ୍ଟିଆ, ଗାଇନେକୋମାଷ୍ଟିଆ ହେଉଛି ମାନେ ମେଲ୍ ହୋଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ମାମାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥିବ। ଏନ୍ଲାର୍ଜ ବ୍ରେଷ୍ଟ, ମାମାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥିବ, ଏନ୍ଲାର୍ଜ ବ୍ରେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଫେସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବଡ଼ି ହେୟାର, ତ ଏମାନଙ୍କର ଫେସିଆଲ୍ ଆଉ ବଡ଼ି ହେୟାର ନଥାଏ, ବିୟର୍ଡ଼ ମୁଷ୍ଟାକ୍ ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ନଥାଏ। ତାପରେ ଫେମିନାଇନ୍ ପିଚ୍ଡ ଭଏସ୍, ଭଏସ୍ଟା ଫିମେଲ୍ ଲାଇକ୍ ହୋଇଥିବ, ଫେମିନାଇନ୍ ପିଚ୍ଡ ଭଏସ୍। ପୁଅର୍ ମସଲ୍ ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ, ମସଲ୍ ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ ବି ପୁଅର୍ ହୋଇଥାଏ, ପୁଅର୍ ମସଲ୍ ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ। ଲଙ୍ଗ୍ ଲିମ୍ସ, ଲଙ୍ଗ୍ ଲିମ୍ସ କହିଲେ ଯେଉଁ ହାତ ଗୋଡ଼, ମେନ୍ଲି ଲିମ୍ସ କହିଲେ ଆପେଣ୍ଡେଜେସ୍, ହାତ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ବୋନ୍ ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟଟା ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ, ତ ଲଙ୍ଗ୍ ଲିମ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ରିଟ୍ରାଡ଼େସନ୍, ମାନେ ଯଦିଓ ଏମାନେ ପୁରା ହାଇଲି ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟ୍ରାଡ଼ ହୋଇନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ନର୍ମାଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ଲେସ୍ ଆଇକ୍ୟୁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ୍ କେସ୍ ବି କେତେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ରିଟ୍ରାଡ଼େସନ୍ ଟିକିଏ ନର୍ମାଲି କମ୍ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଇଟ୍ ଆଫେକ୍ଟସ୍ ୱାନ୍ ଇନ୍ 500 ମେଲ୍ ବାର୍ଥ, ତ 500 ମେଲ୍ ବାର୍ଥରେ ଗୋଟେ ଏମିତିର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ କିଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଲାଇନଫେଲ୍ଟର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ତ କ୍ଲାଇନଫେଲ୍ଟର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲୋଜୋମାଲ୍ ଆନିଓପ୍ଲଏଡ଼ି, ଆକୁ ଅଦରୱାଇଜ୍ କୁହାଯାଏ 23rd ଟ୍ରାଇଜୋମି। ଆଉ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବି ସେଇ 47 ଥାଏ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ଟା ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ ମେଲ୍ ହୁଏ ଆଉ ସେ ମେଲ୍ର ବାରବଡ଼ି ଗୋଟେ ଥାଏ କିଲା। ତାପରେ ଟର୍ନର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, ଟର୍ନର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, ଟର୍ନର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ହେଉଛି ଟିକେ ଟର୍ନର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କୁଆଦ୍ରାଇଜ୍ କୁହାଯାଏ 23rd ମନୋଜୋମି। ବୋଲେ ମନୋଜୋମି, ମନୋ ମିନ୍ସ ୱାନ୍, ମାନେ 21 ନମ୍ବର 23 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ। ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ ଦେଖ, ଟର୍ନର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ବାଇ ହେନ୍ରି ଟର୍ନର୍। ଟର୍ନର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ହେନ୍ରି ଟର୍ନର୍ 1938ରେ। ତ 1938 ହେନ୍ରି ଟର୍ନର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ 23rd ମନୋଜୋମି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଆଲୋଜୋମାଲ୍ ଆନିଓପ୍ଲଏଡ଼ି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ୱାନ୍ ଆଲୋଜୋମାଲ୍ ଆନିଓପ୍ଲଏଡ଼ି, କାହିଁକିନା 23 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ଟା ଆମର କ'ଣ କି ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବା ଆଲୋଜୋମ୍। 23 ନମ୍ବର ପେୟାର୍ରେ ଯାହା ବି ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟି ଦେଖାଯିବ ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଜୋମାଲ୍ ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟି ବା ଆଲୋଜୋମାଲ୍ ଆନିଓପ୍ଲଏଡ଼ି ବୋଲି କହିବା। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଇଜ୍ ଆବସେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ। କ୍ଲାଇନଫେଲ୍ଟର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? 23rd କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରାଇଜୋମି ବୋଲି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ ଇନ୍ 23rd ପେୟାର୍, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ 23rd ମନୋଜୋମି। 23 ନମ୍ବର ପେୟାର୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କମ୍ ଥାଏ, ତ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ 44 ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଜିରୋ, 44 ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଜିରୋ, ତ ଏଇ ଜିରୋ ଥାଏ, କିଛି ନଥାଏ। ତ ମାନେ ଏଠି 23 ନମ୍ବର ପେୟାର୍ରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି 23rd ମନୋଜୋମି। ତ ସେ ଜିରୋ ଜାଗାରେ
पिलाई जीरो जगार एक्स भी रही पारिथांता वाई भी रही पारिथांता हाँ कि नहीं तो 44 प्लस एक्स जीरो जीरो जगार एक्स भी रही पारिथांता वाई भी रही पारिथांता से आम ये कौन कहले वन सेक्स क्रोमोजोम इज आबसेंट एक्स कि वाई कहले एक्स कि वाई कहले कभरल कहले गोटे सेक्स क्रोमोजोम आबसेंट थाए से ये कंडीशन को कहुए 23rd ट्राइजोमी 23rd सरी मोनोजोमी बोली गोटे सेक्स क्रोमोजोम आबसेंट थाए बोली 23rd मोनोजोमी कहुए ये कंडीशनटा केत आरइज हे देख य कंडीशनटा आरइज हे केत ना व्वेन टे व्वेन आन आबनर्माल स्पर्म 22+0 फ्यूजेस विथ ए नर्माल ओभम 22+x ये कंडीशन आरइज हे देख आबनर्माल स्पर्म 22+0 टे मन पकाओ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रे जितेबले आबनर्माल स्पर्म प्रोड्यूस होता कौन 22+xy एक्स वाईटा कौन नर्माली अलग अलग रही कथा आइदर एक्स बा वाई रही कथा कि जदि गोटे सेल को एक्स वाई दुटा क्रोमोजोम पलि आउ गोटे सेल बा गैमेट्रे सेक्स क्रोमोजोम बिलकुल न बुझे ना नहीं एक्स गोटे जगह जाइ था वाई गोटे जगह जाइ था जो एक्स वाई दुजाक मिसिक गोटे जगह को पलैसे तो आउ गोटे जगह निहती फांका पड़ो से कौन सेक्स क्रोमोजोम नो से भी गोटे आबनर्माल स्पर्म तो जदि से आबनर्माल स्पर्म जदि 22+0 वाला आबनर्माल स्पर्मटा फ्यूज होता है नर्माल ओभम सांगे नर्माल ओभम कहले 22+x तेल ये कंडीशन आरइज हे 22+44 एक्स जीरो 44+x0 होगा किंबा और एन आबनर्माल ओभम कहले भी पिले से कंडीशन आसला जे 22+0 आ पूर्व आम देखे एक्स एक्स क्रोमोजोम दुईटा लगालगी होगी पढ़ाऊँ गोटे सेल को आ गोटे सेलटा निहाती विदाउट सेक्स क्रोमोजोम डेवलप हे तो 22+0 कंबाइंस विथ ए नर्माल स्पर्म नर्माल स्पर्म कौन 22+x तो 22+44 एक्स जीरो कंडीशन आसला तो आमर 44+x0 कंडीशन आसीगला ये आउ गोटे क्वेश्चन देख इटे आउ गोटे क्वेश्चन कौन हम ना ये नर्माल स्पर्मटा अलवेज सुड बी 22+x आम कह 22+y वाला स्पर्म कहीं हेनी ना जदि ये वाई वाला स्पर्म होता ये कंडीशन में कौन होता 22+44 सपोज ये वाई था ये था 22+y वाला स्पर्मटा फर्टिलाइज करता तेल कौन होता वाई जीरो होता पे मन रख वाई क्रोमोजोम एकाएका एक्जिस्ट करें सर्वाइव करें कि एक्स क्रोमोजोम एकाएका सर्वाइव कर वाई क्रोमोजोम एकाएका सर्वाइव करें 44+y0 जदि भी वाई वाला स्पर्मटा आसिक फर्टिलाइज हुए जायगोट फर्मेसन हुए से जायगोटा बेस समय पर्यंत रही पारिबोनी वायबल हो पारिबोनी नष्ट हो जीवो सेतिपई वाई जीरो कंडीशन टा देखा जाए नी 44+x0 देखा जाए कहीं एक्स वाला स्पर्म जदि अबनॉर्मल लोबम सांगे फर्टिलाइज करिवो ए कंडीशन आरइज हबार चांसेस रहिवो हैला तापर देखो एथिरे टर्नर सिंड्रोम रे जो इंडिविजुअल डेवलप हुए दैट पर्सन इज ऑलवेज स्टेराइल फीमेल विदाउट बार बॉडी तो एथिरे जो इंडिविजुअल डेवलप हुए से स्टेराइल फीमेल विदाउट बार बॉडी नॉर्मली मन रख नॉर्मली आम कौन जाने नॉर्मल फीमेल रे गोटे बार बॉडी थाए किंतु टर्नर सिंड्रोम वाला फीमेल पाखे स्टेराइल फीमेल पाखे बार बॉडी न थाए कहीं ना तार तो एक्स जीरो रहा तो सब बार बॉडी के जीटा एक्स क्रोमोजोम तुम गोटे कम -1 तो ये NX नंबर अफ एक्स क्रोमोजोम के 1-1=0 तो नॉर्मल फीमेल रे गोटे बार बॉडी रहिला बेले टर्नर सिंड्रोम रे बिल्कुल बार बॉडी न थाए किंतु उल्टा कंडीशन होउची सेमती क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रे नॉर्मल मेल रे बार बॉडी न थाए किंतु क्लाइनफेल्टर वाला सिंड्रोम रो मेल रे गोटे बार बॉडी थाए हैला देखो तापरे सिम्पटम्स होउची एमानकर रुडिमेंटरी ओवरीज ओवरी गुडाक रुडिमेंटरी हेथाए माने रुडिमेंटरी कहिले अनडेवलप्ड अंडर डेवलप्ड लेस डेवलप्ड ओवरीज अनडेवलप्ड ब्रेस्ट मामारी ग्लैंड भी डेवलप हो नए प्रॉपर्ली शॉर्ट स्टैच्योर हाइट शॉर्ट होता है शॉर्ट स्टैच्योर नॉर्मल हाइट रू टे कम होता है शॉर्ट स्टैच्योर